नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर जो दल बदल का खेल है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं, उन्होंने महागठबंधन को अलविदा कह दिया था और उसके बाद ये कयास लगातार जारी थी कि महागठबंधन छोड़ने के बाद जीतन राम मांझी एनडीए का दामन थामेंगे। इसी क्रम में आपको बताते चले कि जीतन राम मांझी आज सीएम आवास पहुंचते हैं और वहां पे उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद मुलाकात के बाद जब वो निकलते हैं तो हमने उनसे बातचीत तो साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करने को इनकार कर दिया। उसके बाद जब हमने हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीत दानिश रिजवान से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये पॉलिटिकल ही बात मुलाकात थी, पर इसमें जो भी उनके क्षेत्र के समस्याएं हैं उनको लेकर मुलाकात हुई थी और दो दिन के बाद वो मीडिया के समक्ष अपनी जो भी फैसला होगा उसको रखेंगे। तो आप क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, पहले आप वो सुने। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी आज मुख्यमंत्री से मिले थे। हालांकि राजनीति में जब मुलाकात होती है दो बड़े नेताओं की तो पॉलिटिकल बातचीत भी होती है। जो भी कुछ होगा अगले दो दिन के अंदर मीडिया के सामने हम लोग आकर बताएंगे कि किस तरीके से अलायंस कर रहे हैं, कितनी सीटों पर बातचीत हुई है, क्या चीज़ें होनी है, तमाम चीज़ जो है वो दो से अगले दो से तीन दिनों के अंदर हम लोग प्रेस। आप कह रहे हैं कि दो दिन में क्या बातचीत हुई बताएंगे, लेकिन अभी क्या बातचीत हो गई है, कब ज्वाइन कर रहे हैं, ऑफिशियली अनाउंसमेंट? देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है कि जो भी चीज़ें हैं वो जल्द हम लोग मीडिया में आकर के बताएंगे। आज जो उनकी मुलाकात हुई थी वो क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं थी जिनको लेकर के बातचीत हुई है और उसी बातचीत करने के लिए जीतन राम मांझी जी। जीतन राम मांझी जी लगातार कई बार इस तरह की बात कर चुके हैं, इशारा कर चुके हैं कि वो जेडीयू में जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली वो आके नहीं कर रहे। देखिए, निसंदेह बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी के दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं। आज भी उनके आप कमरे में जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीर दिखाई देती है। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट की बातचीत है, लेकिन हम किसके साथ अलायंस करेंगे, क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, उसको लेकर के दो से तीन दिन के अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सारी चीज़ों को बताएंगे आपके। तो आपने सुना दानिश रिजवान का साफ तौर पे कहना था कि ये पॉलिटिकल मुलाकात हुई थी, पर इसमें जो भी उनके क्षेत्र की समस्या है उसको देखते हुए यह मुलाकात हुई थी और दो दिन के बाद हमारा जो भी फैसला होगा वो मीडिया के सामने समक्ष में रखेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी की सिंबल भी चुनाव आयोग द्वारा छीन ली गई है, तो ऐसे में जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को हम जो उनकी पार्टी है उसे जेडीयू में विलय करते हैं या फिर गठबंधन करते हैं, तो आने वाला ये समय ही बताएगा। बढ़ा ला बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।